नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएड वाले किस विषय से नेट कर सकते हैं, नेट और पीएचडी में से कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, और नेट के आवेदन आप कब से कर सकते हैं। आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन एक 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड रखा गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में बीटीसी के बाद भी एमएड किया जा सकता है। एमएड करने के बाद में आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, बीटीसी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, डायट कॉलेज में प्रवक्ता बन सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एमएड वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको एमएड से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एमएड वाले किस विषय से नेट कर सकते हैं। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड वाले एजुकेशन विषय से नेट कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट द्वारा सवाल पूछा जाता है कि पीएचडी और नेट में से कौन सा बेटर है, यानी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको एक सलाह दूंगा कि आप पहले नेट कर लीजिए, और नेट के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आपका जेआरएफ हो जाए, क्योंकि आपका यदि जेआरएफ हो जाता है और आप पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये स्कॉलरशिप 35,000 रुपये महीना और इससे अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नेट कर लीजिए, क्योंकि नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोफेसर बनने के लिए, और आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो कम से कम आपको नेट होना अनिवार्य है। और आपका एक नेट का फ़ायदा ये भी है कि जब आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में छूट मिल जाएगी। तो और साथ ही साथ ये फ़ायदा है कि आपका जो पीएचडी है वो 5 से लेकर 7 सालों के बीच में होगा, और आपका नेट 6 माह से लेकर 1 साल तक के बीच में आपका हो सकता है। तो पहले आप नेट कर लीजिए और उसके बाद में पीएचडी करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ कैंडिडेट द्वारा एक सवाल और पूछा जाता है कि हम अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में होंगे, यदि आप एमएड कर रहे हैं तो एमएड सेकंड ईयर में जब आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास कर लेंगे, तो आप यहां पर नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने पीजी कर लिया हो तभी आप नेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते नेट कर लिया है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते नेट करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है, एक तरफ तो आप उस विषय की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप नेट की तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती है और आपके एमएड में भी बहुत अच्छे अंक आते हैं। यदि आप कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। साथ ही साथ नेट क्लियर करने में आपको बहुत सुविधा होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका नेट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते क्लियर हो जाए। यदि आपने एमएड के साथ साथ किसी और विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उस विषय से भी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ आपके लिए डबल बेनिफिट है। एमएड के आधार पर आप एजुकेशन विषय से तो नेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी अन्य विषय से भी नेट कर सकते हैं। जब मैं एमएड में था तो मैंने एमएड के आधार पर एजुकेशन विषय से नेट कर लिया था, साथ ही साथ मैं एमकॉम कर रहा था तो मैंने एमकॉम के आधार पर कॉमर्स विषय से भी नेट कर लिया था। अब मेरे पास 2 विषयों के क्षेत्र में प्रोफेसर बनने की योग्यता हो गई है, तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा विषय से भी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।